हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक स्प्रेड। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ONGC पर सरकार के फैसले के बारे में। ONGC की हिस्सेदारी बेचेगी सरकार। जी हां, आपने सही सुना, सरकार तेल और गैस कंपनी ONGC की 1.5% हिस्सेदारी बेचकर 3,000 करोड़ रुपए जुटाएगी, जिसका ऑफर फॉर सेल 30 या 31 मार्च तक खुलेगा। आइए इस खबर को डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर खबर के बारे में सबसे पहले जानने के लिए आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, देश के टॉप ऑयल और गैस प्रोड्यूसर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जिसको ONGC भी बोलते हैं, में सरकार अपनी 1.5% हिस्सेदारी बेचकर करीब 3,000 करोड़ रुपए जुटाएगी। ONGC ने स्टॉक एक्सचेंज को फाइलिंग में बताया है कि इसके लिए ऑफर फॉर सेल 30 और 31 मार्च को खुलेगा। लास्ट अवेलेबल शेयर होल्डिंग डेटा के अनुसार भारत सरकार की ONGC लिमिटेड में 60.41% हिस्सेदारी है। 31 मार्च को रिटेल इन्वेस्टर के लिए सब्सक्रिप्शन प्रपोज्ड ऑफर में 9,43,52,094 शेयर या फिर 0.75% इक्विटी हिस्सेदारी बेस ऑफर है। नॉन रिटेल इन्वेस्टर 30 मार्च को इसे सब्सक्राइब कर पाएंगे। 31 मार्च को रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सब्सक्रिप्शन रहेगा। ओवर सब्सक्राइब होने पर इतनी ही एडिशनल इक्विटी को बेचने का भी विकल्प खुला हुआ है। इसका फ्लोर प्राइस 159 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। यह कीमत मंगलवार को ONGC के 171.05 रुपये के स्टॉक क्लोजिंग प्राइस से 7% डिस्काउंट पर है। निवेशक 159 रुपये के फ्लोर प्राइस पर या उससे ज़्यादा प्राइस पर बोली लगा सकते हैं, या वे कट ऑफ प्राइस पर भी बोली लगाने का विकल्प चुन सकते हैं। शेयरों का आवंटन OFS गाइडलाइंस के अनुसार मल्टीपल क्लियरिंग प्राइस के आधार पर होगा। 10% शेयर रिटेल इन्वेस्टर के लिए रिजर्व होंगे। OFS में कम से कम 25% शेयर म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियों के लिए रिजर्व हैं, जबकि 10% रिटेल इन्वेस्टर के लिए रिजर्व हैं। रिटेल इन्वेस्टर 2,00,000 से ज़्यादा शेयरों के लिए बोली नहीं लगा सकते हैं। ONGC के कर्मचारी 5,00,000 रुपये तक के इक्विटी शेयर के लिए आवेदन कर सकते हैं। OFS में बेचे जा रहे इक्विटी शेयरों का 0.075% कट ऑफ प्राइस पर एलिजिबल एम्प्लॉयज के लिए है। सरकार ने घटाया डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट। जनवरी 2022 तक केंद्र सरकार ने डिस इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड के जरिए लगभग 45,485.87 करोड़ रुपए जुटाए हैं। वित्तीय वर्ष 2022 के लिए सरकार का रिवाइज डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट 78,000 करोड़ रुपए है। शुरुआत में इस टारगेट को 1.75 ट्रिलियन रुपए निर्धारित किया गया था। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपके मन में इससे जुड़ा कोई भी सवाल रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।